गुजरात नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का खुला खाता। सूरत में दूसरे नंबर का दल बनी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की जीत से नेताओं में जश्न का माहौल। आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी है सूरत में पार्टी की जीत। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी बधाई। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें देश के अन्य राज्यों में मजबूत कर रही है, जिसका उदाहरण आज गुजरात के नगर निगम चुनाव में देखने को मिला, जहां सियासी क्षत्रपों के तंबू तो उखड़ ही गए, साथ ही कईयों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन केजरीवाल की झाड़ू ने कईयों के वोट को बटोर कर अपना खाता तो खोला ही, साथ ही कई नगर निगमों में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में मजबूती से उभरी है, जो कि कमजोर पड़ती कांग्रेस के लिए तो चिंता का सबब है ही, साथ ही बीजेपी के लिए भी चुनौती बनने वाला है। जो बीजेपी अकेले पूरे देश में राज करना चाहती है, अब उसके सामने आम आदमी पार्टी हर राज्य में चुनौती पेश कर रही है और बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बनती जा रही है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना खाता खोला है और सूरत नगर निगम में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सामने चुनौती तो पेश की ही, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का गणित ऐसा बिगाड़ा कि कांग्रेस का सूफड़ा साफ होता सा दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम में 27 सीटों पर जीत का परचम लहराया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सूरत शहर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन चुनावों में बीजेपी ने सियासी साजिशों का ताना बाना भी बुना, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी उस तरह से टक्कर नहीं दे पाई जिस तरह से वो उम्मीद कर रही थी, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। हालांकि कई नगर निगमों में बीजेपी बहुमत में आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य से निकली आम आदमी पार्टी ने सियासी तौर पर मजबूती हासिल करनी शुरू कर दी है और ये संकेत है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ केंद्रीय राजनीति में भी चुनौती पेश करेगी। हालांकि बीजेपी को लगता है कि उसे आम आदमी पार्टी से खतरा नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय दलों और खासकर कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी का बढ़ता दायरा सियासी तौर पर खतरा बनने का संकेत है। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न गुजरात में देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप इस छोटी सी जीत को बड़ी जीत मानकर जश्न मना रही है और अन्य राज्यों में बढ़ते जनाधार के तौर पर इसे देख रही है, क्योंकि ये जीत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी बड़ा रोल अदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।